आनंद की किन खूबियों पर सोनम हुई थी फिदा, शादी के बाद कभी काम छोड़ेंगी या नहीं, सोनम से सुनिए। सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने वर्ष 2018 में शादी की थी। सोनम और आनंद ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शादी की थी। सोनम ने हाल ही में फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि प्रमोशन के दौरान हुई बातचीत में आनंद को हाँ कहने की वजह भी बताई और यह भी बताया कि आनंद की किन खूबियों के कारण दोनों एक हुए। सोनम कहती हैं कि आनंद की सबसे खास बात जो मुझे काफी प्रभावित कर गई कि वह काफी इमोशनल इंसान है, परिवार को समझते हैं, साथ ही वह बहुत ही दयालु इंसान है। सोनम बताती हैं कि उन्होंने अपने बाल एक्सरसाइज के लिए कम कर लिए थे, लेकिन अब चूंकि मुझे बाल पसंद हैं तो वे अपने बाल बढ़ा भी रहे हैं। पहली बार वे हम मुझे योगी की तरह लगे थे। सोनम कहती हैं कि मैं जितनी ही चीजों को लेकर अति उत्साहित हो जाती हूँ, वह बहुत शांत रहते हैं, वह कभी अपना टेम्पर नहीं खोते हैं, वह बहुत अच्छे इंसान हैं। सोनम कहती हैं कि मैंने उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा है। वह यह भी कहती हैं कि जिंदगी में आपको एक अच्छे इंसान को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो गलत कारणों से शादी कर लेते हैं और गलत इंसान को चुन लेते हैं, बाद में उसे लेकर पछताते हैं। कई लोग कई बार प्रेशर की वजह से भी शादी कर लेते हैं, सोचने लगते हैं कि मेरी उम्र हो रही है तो समझौता कर लेते हैं। सोनम कहती हैं कि अगर आप सही इंसान के लिए रुक सकती हैं तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। सोनम ने बताया कि उनकी शादी के बाद उनके काम को लेकर किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है। हाँ, शेड्यूल पहले से कठिन हो गया है। वह कहती हैं कि आनंद चाहते हैं कि मैं हमेशा काम करती रहूं और वे भी हमेशा काम करते रहना चाहते हैं, तो जाहिर है कि हमारे पास मिलने का समय कम होता है, इसलिए हमें जब भी मौका मिलता है या फिर मौके निकाल कर हम खुद खूब घूमते फिरते हैं। सोनम कहती हैं कि मैं कभी भी अपना काम नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं अपना काम बहुत एंजॉय करती हूँ। सोनम कहती हैं कि जिस तरह मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, वे भी ट्रेवल करना और एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, इसलिए हम दोनों की खूब जमती है। हम दोनों पढ़ते भी खूब हैं और हमें जिंदगी को खूब जीना पसंद है। सोनम कहती हैं कि वह मेरी पर्सनल जिंदगी को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में बिल्कुल फ्री होकर काम करना पसंद करती हूँ।